गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पर्यावरण आसपास का पाठ 16 मेरा घर क्या पाठ 16 मेरा घर पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से समझना। तो देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है मेरा नाम नसीब है। क्या है? मेरा नाम नसीब है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत सी प्रवृत्तियों का आयोजन किया गया है। वहाँ वह पूरे 7 दिनों तक चलेगा। हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। देखो बच्चों, हम कभी कभी अपने स्कूल में जैसे कोई फंक्शन वगैरह रखते हैं या किसी चीज़ का आयोजन करते हैं तो दूर दूर से दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं या बाहर से लोग देखने आते हैं, वैसे इसमें भी टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखो ना, लिखा है हमने स्कूल को खूब सजाया। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कुछ ने तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादों से रंगोली बनाई है। ठीक है बच्चों, जैसे हम कोई चीज़ फंक्शन वगैरह करते हैं घर में या स्कूल में कभी, तो हमारा मन होता है कि हम अपने स्कूल को या घर को अच्छी तरह से सजा के रखें, ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि हाँ, वहाँ पर डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया गया था। इसके लिए बच्चों ने जो जिससे हो पाया है वो बच्चों ने किया है। तो आज अब अपना अपने दूसरे पेज पे देखेंगे, यहाँ लिखा है आज कैंप का पहला दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए, सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबको अपना अपना परिचय देना पड़ा। बच्चों, जैसे हम कहीं अलग जगह पर जाते हैं या अनजानी जगह पे, तो अपना हमको दूसरे एक दूसरे से मेल करने के लिए अपना परिचय देना पड़ता है। एक दूसरे पूछते हैं, बहन आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। वैसे बच्चों ने भी अपना अपना परिचय सबको दिया, परिचय देना पड़ा। सबने अपने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए थे। बच्चे, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने घर की, अपने दादा दादी की, मम्मी पापा की और भाई बहन की तस्वीरें लेके जाते हैं। एक दूसरे को दिखाते हैं, भाई ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे दादा दादी हैं, हम बहन भाई हैं। ऐसे बच्चों ने इस पाठ में भी किया है, तस्वीरें भी लाए थे। बारी बारी से हम बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबने पहले भूपेन के समूह की सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। अब यहाँ भूपेन बोलता है, भूपेन ने चर्चा, देखो लिखा हुआ है चर्चा। अब भूपेन यहाँ चर्चा कर रहा है, अपना परिचय दे रहा है। भूपेन ने अपना परिचय दिया और कहा, बांस या लकड़ी के घर में रहने वालों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब भूपेन बोलता है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। घर में आने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनाई जाती है, जो रात को हटा ली जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, भूपेन के यहाँ घर बांस के खम्भों पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि भूपेन के यहाँ बहुत बारिश होती है, इसके लिए वहाँ ऊँचे ऊँचे बांस के खम्भों के ऊपर घर बना दिया जाता है, लकड़ी का घर बनाया जाता है और उसका दरवाज़ा भी लकड़ी का बनाया जाता है, सीढ़ी भी लकड़ी की बनाई जाती है और रात होने पर वो सीढ़ी हटा ली जाती है। भूपेन के गांव के मकानों की छतें कैसी होती हैं, इन्हें ऐसे क्यों बनाया जाता है? भूपेन के गांव की छतें
ऊंची होती हैं, बांस के खंभों के ऊपर होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बारिश में घर डूब ना जाए इसके कारण वे बांस के खंभे के ऊपर घर बनाते हैं। इन मकानों के अंदर जाने का क्या तरीका है बच्चों? वो लकड़ी का दरवाज़ा बनाते हैं और बांस की सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ जाते हैं, जो ऊपर चढ़ के वो बांस की सीढ़ी को हटा लेते हैं। भूपेन के घर में रात के समय सीढ़ी क्यों हटा ली जाती है बच्चों? रात के समय सीढ़ी इसलिए हटा ली जाती है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि घर के मकानों के ऊपर तक की खम्भों तक की पानी भर जाता है, इसलिए वो सीढ़ी हटा ली जाती है ताकि हम दोबारा वापस से वो सीढ़ी नीचे लगा कर हम नीचे आ सकें। पत्थर का घर बनाने में क्या असुविधा होती है? अब आइए अपने चमेली बहन से पूछते हैं। अब आइए चमेली की बारी, ठीक है? उसने कहा मैं